नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं नर्सिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के आवेदन पर बड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि सीबीआई जांच में सही पाए गए नर्सिंग कॉलेजेस की दोबारा जांच की जाएगी। इस जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी, जिसमें कॉलेज के संचालक और प्रिंसिपल की मौजूदगी होगी। साथ ही जांच में संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ शामिल रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिन कॉलेजेस को सीबीआई जांच में सही पाया गया था उनकी भी दोबारा जांच की जाएगी, और ऐसे में इस बार ये जांच वीडियो कैमरे की निगरानी में होगी। और इस जांच के दौरान संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई टीम के साथ रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने आज की सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए हैं कि जो भी कॉलेज सीबीआई की ओर में हुई जांच में सुटेबल पाए जाके क्लीन चिट प्राप्त किए हैं और उनको सीबीआई ने रिपोर्ट में सुटेबल और उपयुक्त बताया है, उन सभी कॉलेजों की पुनः जांच के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं। साथ ही उन कॉलेजों की जब जो नए सिरे से जाँच होनी है उसमें संबंधित जिलों के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी उस दौरान उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा संपूर्ण जांच की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और पूरी जांच के दौरान संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल और संचालक उपस्थित रहेंगे। इधर सीएम के निर्देश के बाद अनफिट नर्सिंग कॉलेजों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेज को बंद कर दिया गया। इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में कॉलेजेस को बंद करने की कार्रवाई हो चुकी है। मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर ने इन कॉलेजेस की लिस्ट कलेक्टर्स को दी और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करें। हालांकि इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजेस के छात्र प्रभावित नहीं होंगे। देखिए, शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए थे उनमें हमको 5 नर्सिंग कॉलेजेस की सूची प्राप्त हुई थी और उन सभी 5 नर्सिंग कॉलेजेस को हमारे द्वारा सील किया गया है। हालांकि जो वहां के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनगोइंग है, जिनका एग्ज़ाम ड्यू है, उस संबंध में एक अलग प्रकार के निर्देश जारी हुए थे, जिनका भी पालन साथ में किया जा रहा है। शासन के निर्देशों के आधार पर इसको किया गया है। देखिए, इसमें जो सीबीआई या जो अन्य कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस संबंध में पत्राचार शासन के स्तर पर हो रहा है और उसी आधार पर शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका पालन करते हुए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण दिवस 5 जून से शुरू हो रहे जल संरक्षण अभियान को लेकर बैठक ली। इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि जल सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जल संरचनाओं के अतिक्रमण और जल स्रोतों को उपयोगी बनाने के लिए अभियान चलाए जाए। साथ ही शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक प्याऊ संचालित हो, पेयजल के कारण कहीं भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेज गर्मी से नागरिकों को बचाने के लिए शहर और गांव में आवश्यक शेड और छांव की व्यवस्था करें, जहां आवश्यक हो वहां ग्रीन नेट और वाटर स्प्रे से तेज गर्मी से लोगों को राहत दिलवाई जाए। स्थानीय निकाय सक्रिय भूमिका निभाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभागीय बैठकों में हुए निर्णयों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेत उत्खनन में अवैध रूप से लगी मशीनों को तत्काल जब्त किया जाए। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक्टिव मोड में नजर आए हैं, सीएम बैठकें ली हैं 5 डिपार्टमेंट्स की। जी देखिए, बिल्कुल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज चुनाव की व्यवस्थाओं के बीच आज दिन भर भोपाल रहे और आज उन्होंने एक्शन में मोड में रहे। आज लगातार उन्होंने बैठकें ली, लंबे समय बाद आज उन्होंने पूरे प्रदेश की कई प्रमुख विभागों की समीक्षा की। खास तौर पर जो 5 जून से पर्यावरण जल संरक्षण को लेकर एक अभियान शुरू होने वाला है उसकी समीक्षा की। पानी जो बचाने को लेकर उन्होंने निर्देश दिए, कुएं बावड़ी जो पुराने जल स्रोत हैं उन सभी जल स्रोतों को फिर से जिंदा किया जाए, किस तरीके से उनको आखिर तक वाटर बॉडी को जिंदा किया जाए, संरक्षण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पानी सहेजा जा सके, इसको लेकर प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए। अफसरों को स्पष्ट करा गया है कि इसको लेकर गंभीरता से काम करना है और बकायदा 10 दिन तक
पूरे प्रदेश में एक अभियान चलेगा और लगातार पानी वाटर बॉडी को लेकर काम चलेगा। इसके अलावा रेत खनन को लेकर जो लगातार शिकायतें आ रही थी प्रदेश के कई जिलों से कि अवैध रेत खनन हो रहा है नर्मदा किनारे या दूसरी नदियों के किनारे, तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि किसी भी तरह का अगर रेत खनन हो तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह के जो माफिया है खनन माफिया उनको बख्शा नहीं जाए। तो सीएम आज काफी आक्रामक अंदाज में थे, उन्होंने सभी विभागों की समीक्षा के साथ ही पानी रेत और जो महत्वपूर्ण मुद्दे उनको लेकर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की जनता से जुड़े मुद्दों में कोताही नहीं बरती जाए, नहीं तो सीधे एक्शन होगा। बिल्कुल सीधा एक्शन करने की बात भी कही है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बढ़ते हैं सागर हत्याकांड की बात कर लेते हैं जिस पर राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सागर के बरोदिया गांव पहुंचे और मृतक अंजना के परिवार से मुलाकात की। बता दें कि अंजना ने एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान दे दी थी जिसकी अंत्योष्टि में दिग्विजय सिंह शामिल हुए थे। सागर में एक साल पहले नितिन अहिरवार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसकी मां को निर्वस्त्र कर दिया गया था। अब एक साल बाद भतीजे के हत्याकांड के गवाह चाचा की हत्या की गई। बीते दिन एम्बुलेंस से शव ले जाने के दौरान भतीजी ने भी कूद कर अपनी जान दे दी। तो अहिरवार परिवार के घर पहुंचे जीतू पटवारी, प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आए और सीएम से तुरंत आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। बहन के साथ छेड़खानी, फिर भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, फिर इस बीच में मां को भी एक तरह से निर्वस्त करना और फिर बेटी का भी ईश्वर की घटनाक्रम जो वो भी उनकी भी मृत्यु हुई, ये कहां सुना और पढ़ा आपने आज तक ऐसा जैसा यहां हुआ है। मैं मानता हूं जो मैं प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता पर कई प्रदेशों में लिखा जा रहा था जंगल राज, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर जंगल राज की श्रेणी में है और मुख्यमंत्री से आग्रह है वो जागे। वहीं सीधी में आदिवासी छात्राओं से हुए सीरियल रेप मामले में राजनीति तेज हो गई है। आदिवासी समाज ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस मामले की जांच के लिए गठित की गई कमेटी पर सवाल खड़े कर रही है। कॉलेज के प्रोफेसर केएस नेताम ने पुलिस पर हमला बोला और मामले में हिलाहवाली करने का आरोप लगाया। कहा कि पहले बच्ची के साथ जब वारदात हुई तब पुलिस से शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत ही दूसरी वारदात हो गई। प्रोफेसर केएस नेताम ने आरोपियों को लड़कियों का डेटा उपलब्ध करवाने वालों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोषियों पर उचित उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ पीड़ित जो बच्चियां हैं उनके ऊपर जो जिस प्रकार के दुष्कर्म हुए हैं उनके साथ में उनको उचित मुआवजा राशि भी दी जाए और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सजा नहीं है क्योंकि जो आरोपी है उन्हीं के लोग वहाँ SIT में हैं, तो अगर जब वही है तो वो क्या जांच करेंगे। कहीं ना कहीं जो अपने सफ़ेद पोश आग वाले हैं उनको वो बचाने का काम करेंगे, ये नहीं कि जो निर्दोष हैं उनको फंसा देंगे, जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम वो नहीं करेंगे। इन्होंने जो काम ये कृत्य किया है अति घृणित है, इनको सीधे गोली मार देनी चाहिए, चौराहे में खड़े होकर पत्थरों से मारना चाहिए या फिर इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, तब हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। साथ अभद्र कृत्य किया जो बहुत ही निंदनीय है और उसका मोबाइल भी छुड़ा लिए थे और तब मैंने उनसे कहा था कि पुलिस वालों से कि आप तो इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध करके और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो उसको करिए तत्काल ताकि दोबारा किसी के साथ घटना न कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस ने उसमें बहुत तत्परता नहीं दिखाई और उसके परिणाम स्वरूप 5-6 दिन बाद ही दूसरी लड़की के साथ सेम उसी तरह की घटना घट गई। तो मैं चाहूँगा कि इस संबंध में जो मुजरिम थे वो तो पकड़ गए, ठीक है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें जो लोग इसको डाटा उपलब्ध कराते रहे उनके खिलाफ भी उनको भी धर पकड़ करके सख्त कार्रवाई। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जज की टेबल पर फेंकी गई जूते की माला। फैसला पक्ष में नहीं आने से बुजुर्ग नाराज था, घर से ही बनाकर लाया था जूते की माला और जब फैसला पक्ष में नहीं आया तो इस बुजुर्ग ने वो जूते की माला जज की टेबल पर फेंक दी।
तो बड़ी खबर इंदौर से। किसका है वो? गाड़ी वो खड़ी वो। आगे जा, आगे जा। आराम से आगे जा। आगे स्पीड में भाग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, और यहाँ बुजुर्ग पर आरोप है कि वो घर से ही जूते की माला बनाकर लाए थे, और जब फैसला अपने पक्ष में नहीं आया तो वो माला उठाकर जज की टेबल पर फेंक दी। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, पुलिस के साथ एक बुजुर्ग हैं, अर्धनग्न अवस्था में हैं, भाग रहे हैं सभी लोग, क्या है पूरा मामला जरा बताएं। देखिए, ये दो आरोपी हैं, ये जो तस्वीर नजर आ रहे हैं, ये पिता हैं और इनके पुत्र, दोनों लोगों को आरोपी बनाया गया है। और जज की जो टेबल है उस पर जूते की माला फेंक दिया था, उसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया है और इस वक्त थाने पे कार्रवाई चल रही है। वजह यह है कि मस्जिद जो है, आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक मस्जिद बनी हुई है, उस पर इनके परिवार की तरफ से कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और लगभग 10 से 12 साल भी पुराना मामला है। लंबे समय से इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है और आज कोर्ट ने उस पूरी याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया, कहा कि जो मस्जिद कमेटी है की जमीन है वो उन्हीं की जमीन है, उसी कमेटी की जमीन पर ही मस्जिद बना हुआ है। इस बात से नाराज होकर पिता पुत्र वहां पर हंगामा करने लग गए और ये एक बैग के अंदर जूते की माला जो है वो रख के लेकर आए थे और उसका अचानक से निकाल के टेबल को फेंक देते हैं। इसके बाद तत्काल वहां पे जो पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे गिरफ्तार करते हैं, तत्काल वहां कोर्ट परिसर से लेकर बाहर जाया जाता है। पिता पुत्र गिरफ्तार हो चुके हैं, थाने में इस वक्त कार्रवाई चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक भी सामने आई है कि अगर वो बैग के अंदर जूते की माला लेकर गया और जूते की माला जिस तरीके उसने टेबल पे फेंक दिया, वो भी न्यायाधीश की टेबल पे, तो कल के दिन कुछ और भी बड़ा हादसा हो सकता था। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी इसे मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल कैसे वो जूते की माला अंदर पहुंच गई बैग के साथ, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, और तमाम सवाल वाकई अब उठाए जा रहे हैं, उनके जवाब देने होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। गुना से अगली खबर है जहां युवक को